अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि आईएनवीटी का जो इन्वर्टर है सीएचएफ 100 ए, इसके अंदर जो मोड बस की सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हार्डवेयर कनेक्शन की तरफ। हार्डवेयर कनेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है। ये देखें, इस पर इसने ऑप्शन दे रखी है 485 पॉजिटिव और 485 नेगेटिव, तो साथ में लिखा भी हुआ है 485 कम्युनिकेशन। तो इन्वर्टर के अंदर जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे करने हैं 485 पॉजिटिव और 485 नेगेटिव पे। तो मैं आपको फिजिकली हार्डवेयर में दिखाता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन होने हैं। ये देखें जी, मेरे टर्मिनल पे 485 की ऑप्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, ये नज़र भी आ रहा है 485 पॉजिटिव और 485 नेगेटिव। तो जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है और जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव है। तो ये मैंने दोनों इस पर कनेक्ट करवा दी हैं। नेक्स्ट जो है, इन्वर्टर को मोड बस पे चलाने के लिए इसकी पैरामीटर की प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअल में बताता हूँ कि जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से जरूरी पैरामीटर्स हैं जिनको करने के बाद जो हमारा इन्वर्टर है वो मोड बस पे शिफ्ट हो जाता है। तो आइए चलते हैं पैरामीटर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है वो है रन कमांड सोर्स का। तो रन कमांड सोर्स P001 है, तो इसे सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन पे शिफ्ट करना है। तो आइए मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और डाटा एंटर करेंगे P001। तो ये देखें, ये ऑलरेडी जो है ये 2 पे है। तो जिस तरह मैंने आपको मैनुअल के अंदर बताया कि 2 जो है वो कम्युनिकेशन पे है, तो ये ऑलरेडी 2 पे है। तो इसको दोबारा डाटा एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है, ये इसकी जो हमारा रन सोर्स है वो कम्युनिकेशन पे शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और पैरामीटर है जो मोड बस पे चलाने के लिए जरूरी होता है, वो है नाजरीन हमारा फ्रीक्वेंसी रेफरेंस। ये देखें P007, इसको भी हम 7 पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो है रिमोट कम्युनिकेशन पे हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको शिफ्ट करना है। P03456 7 डेटा एंटर करेंगे और ये ऑलरेडी 7 पे, क्योंकि मैंने इसमें मोड बस की सेटिंग कर रखी है। डेटा एंटर करके आप बाहर आ जाएंगे, दोबारा प्रोग्राम प्रेस करेंगे और ये मेन पेज पे चला जाएगा। उसके बाद इसके कुछ एड्रेसेस होते हैं, जो एड्रेसेस की सेटिंग जो है वो जरूरी है, उसके बाद हमारा जो इन्वर्टर है वो मोड बस पे नहीं चलता। तो नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके एड्रेसेस की तरफ और देखते हैं हमने कौन कौन सा एड्रेस जो है वो इन्वर्टर को चलाने के लिए शिफ्ट करना है। ये देखें जी, ये हमारे पास पैरामीटर है पीसी ग्रुप का पैरामीटर है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये PC00 लोकल एड्रेस है, फिर PC01 है। तो इसमें हमने बॉड रेट सेट करनी होती है, तो मैंने अपने केस के अंदर 9600 BPS सेट की हुई है। ये फिजिकली मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। इसी तरह इसका डेटा का फॉर्मेट है, तो मैंने 1 सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी जो स्टार्ट बिट है वो 1 है और 8 डेटा बिट्स हैं इसकी, और इसकी जो प्रायोरिटी है वो E1 है। तो ये जो 3 सेटिंग्स है ये करनी होती है, तो मैं आपको फिजिकली इन्वर्टर में करके दिखाता हूँ किस तरह से होती है। प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारा PC जो है वो पैरामीटर है 7 8 9 ABC और डेटा एंटर PC00, इसको मैंने डिफॉल्ट सेटिंग पे रखा हुआ 1 पे, और PC01 जो है इसको मैंने 3 किया हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 जो है वो 9600 पे है। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे हम PC03 पे, इसको PC02 ये 1 है, यानी इसको मैंने जिस तरह आपको बताया कि 1 पर सेट कर रखा है। तो ये जो मैंने सेटिंग्स यहाँ पे दी हैं, तो मोड बस पे चलवाने के लिए हमें PLC को जो है वो साथ लगाना जरूरी होता है। तो मैंने इन्वर्टर की सेटिंग के बाद PLC की सेटिंग के अंदर भी सेम यही एड्रेसेस देने हैं, तो फिर जो है मेरा इन्वर्टर जो है वो कम्युनिकेट होगा, अदरवाइज मेरा इन्वर्टर जो है वो कम्युनिकेट नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको जो है वो इन्वर्टर जो है उसका मोड बस का जो फंक्शन है वो फिजिकली चला के दिखाता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है वो मोड बस पे किस तरह से काम कर रहा होता है। और मैं आपको इससे पहले हार्डवेयर पे कनेक्शन दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये मैंने 485 पे इन्वर्टर के कनेक्ट करवाया, दो वायर्स हैं रेड और ब्लैक, और उसके बाद ये मेरी वायर जा रही हैं पीएलसी के मॉड्यूल पे। ये देखें मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये देखें ये रेड वायर पॉजिटिव पे है और ब्लैक वायर जो है वो नेगेटिव पे है। तो हमारा पीएलसी फैटेक की मैंने पीएलसी यूज किया है, और कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो मॉड्यूल यूज होता है इसके ऊपर जिस तरह नंबर नजर आ रहा है एफपीएस CB55, तो ये CB55 जो है वो हमारा कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम मॉड बस कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो अभी मैं आपको इन्वर्टर जो है वो मॉड बस पे चला के दिखाता हूँ। अभी हमारा जो इन्वर्टर पे स्टेटस है वो स्टॉप पे है, यानी हमारा इन्वर्टर जो है वो चल नहीं रहा। तो मैं भी आपको सॉफ्टवेयर इसका डिस्प्ले करवाता हूँ, मैंने ऑलरेडी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम जो है वो राइट कर रखा है। ये मैंने मॉडबस की कमांड लगाई हुई है, और ये मेरा रजिस्टर है राइट का, इसमें मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है। ये देखिए मैं जैसे इसको वन करूंगा, वन करके इसको एंटर करूंगा, और M0 जो है इसको मैं जैसे स्टार्ट करूंगा हमारा इन्वर्टर जो है वो रन हो गया। ये देखें इन्वर्टर पे जो है वो रन का स्टेटस आना शुरू हो गया। तो अभी मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाके इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ से मॉडबस के थ्रू इसे कमांड दी है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इस पर डिस्प्ले हो गई है। इसी तरह मैं इन्वर्टर को अगर मैंने रिवर्स चलाना है तो मैं अगेन इसका पीएलसी के अंदर जाकर एड्रेस चेंज करूंगा, तो मेरा इन्वर्टर जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी ये मैंने इसे कमांड दी है, नेक्स्ट कमांड दी है, उस कमांड के मुताबिक जो है इन्वर्टर जो है वो अपना काम कर रहा है। तो ये एड्रेसेस जो हैं ये आपने कहाँ से देने हैं इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टर के मैनुअल के अंदर इस एड्रेसेस की डिटेल भी। ये देखें ये हमारे पास इसके एड्रेसेस आ रहे हैं, कंट्रोल कमांड लिखा हुआ है, कंट्रोल कमांड 1000H, तो 1000 के अंदर अगर आप 1 राइट करेंगे तो इन्वर्टर फॉरवर्ड चलेगा, अगर 2 राइट करेंगे तो रिवर्स चलेगा। तो मैंने पहले 1 राइट किया था, हमारे इन्वर्टर फॉरवर्ड चला था, अभी मैं जब 2 राइट करूंगा तो हमारे इन्वर्टर जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा, अगर मैं 5 राइट करूंगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेटस से डिस्प्ले करवाता हूँ। ये देखिए हमारा जो भी स्टेटस है वो रन पे है और ये फॉरवर्ड रन हो रहा है। अभी मैं इसके अंदर 2 राइट करता हूं तो हमारा इन्वर्टर जो है वो रिवर्स की तरफ रन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मॉडबस के थ्रू इन्वर्टर को चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी जो पीएलसी की कंप्लीट प्रोग्रामिंग है मॉडबस की उसके बारे में बताऊंगा कि इन्वर्टर जो है उसको आपने मॉडबस पे किस तरह से चलाना है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।